अजमेर के आनासागर झील में लगातार होते हादसों के बाद अब पुलिस ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। पुलिस द्वारा आनासागर झील के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के साथ ही झील में नहाने उतरने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। पुलिस द्वारा लगाई गई तारबंदी को शरारती तत्वों द्वारा तोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद अब पुलिस ने और सख्त तेवर दिखाने का निर्णय लिया है। अजमेर पुलिस द्वारा झील के किनारों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस गश्त को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा हादसों को रोकने के लिए संबंधित बीट अधिकारियों को भी नजर रखने के लिए पाबंद किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी पुलिस और प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, इस बारे में व्यवस्था है, वहाँ तारबंदी भी की गई थी और लोहे की रेलिंग वगैरह भी लगाई हुई है और पुलिस विभाग की तरफ से वहाँ गश्त भी जारी है, सिग्मा चेतक वगैरह थाने की तरफ से सारी चीज़ व्यवस्था है। मगर फिर भी क्या है कि कई लोग जैसे खाना बनोस टाइप समझें या ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को जैसे कोई तैराक समझ के ही उसमें स्नान करने के लिए घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी तो अचानक कभी न कभी कोई हादसा हो ही जाता है। बाकी व्यवस्था हर तरह से वहाँ है, तारबंदी वगैरह भी की है, रेलिंग वगैरह भी लगाई हुई है, समझाइश भी की जाती है, गश्त भी निरंतर जारी है। उसके बावजूद भी कई खानाबदोश लोग ऐसे हैं जो अपने आप को होशियार समझ के मानो कैसे भी मानो, वो लोग नहाने के लिए ज़बरदस्ती उन रेलिंग और तारबंदी को लांग के नहाने लग जाते हैं। कार्रवाई की जाए? हाँ, उनको समझाइश की जाती है, कार्रवाई में तो समझाइश है और गश्त है और लोगों को टोका टोकी भी की जाती है।